नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम हर वीडियो के एंड में आपसे इनवाइट करते हैं आपका कमेंट, फीडबैक या आपकी जो क्वेरी हो, तो उसी संदर्भ में हमें एक क्वेरी आई है जो कि आज हम आंसर करेंगे। और ये क्वेरी रिलेट करती है विद रिस्पेक्ट टू प्रोसीजरल लॉज। इन जो ये क्वेरी है, इसमें क्वेरिस्ट का मैटर जो है डिस्पाइट सेवरल अटेम्प्ट वो लिस्ट नहीं हो रहा है, प्रोसीड नहीं हो रहा है कोर्ट में, लिस्ट नहीं, प्रोसीड नहीं हो रहा है कोर्ट में। और सेकेंडली इट ऑल्सो परटेन्स टू द डिवोर्स लॉ जो कि पर्सनल लॉ के ऊपर है। तो उसी में आज पहले हम देख लेते हैं क्वेरी क्या है और फिर इसका सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। तो द क्वेरी इज, आई हैव अ केस फाइल्ड अंडर HMA जो कि है हिंदू मैरिज एक्ट अंडर सेक्शन 13 एंड अनलमेंट सेक्शन 12(1)(c). इट्स बीन मोर देन 2 years सिंस केस फाइल्ड एंड सेपरेशन। अदर पार्टी hasn't ever attended any hearing till date. Plus, as per my advocate, service has been done several times for summons and notices via all routes, but no report received back, which makes me skeptical. Also, ex parte not getting initiated. I don't know why. In fact, other party is aware of the case. I do get texts from their side asking to dismiss the case, but they're deliberately avoiding notices. So how much a service ordered by court will cost, and why court is not moving forward after so many service attempts and so much costs incurred by me? It is really very frustrating as I can't afford so much expense without result. तो ये जो क्वेरी है, इसमें हमें साफ जाहिर होता है कि जो क्वेरिस्ट हैं वो काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका केस डिस्पाइट ऑल अटेम्प्ट्स बीइंग मेड, डिस्पाइट एवरीथिंग दैट ही कुड हैव डन बीइंग डन, उनका केस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। सारे नोटिसेस कोर्ट ने इशू कर दिए हैं, इन्होंने भी सारे स्टेप्स ले लिए हैं, इसके बावजूद इनका केस क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा दोस्तों कई केसेस में होता है कि नोटिस इशू होने के बाद महीनों लग जाते हैं या इन सम केसेस कई एक आध साल भी लग जाता है कि वो मैटर आगे प्रोसीड ही नहीं करता उसके बाद। तो इन सच केसेस क्या करना चाहिए दोस्तों? ये मैटर रुक क्यों जाता है? हमें सबसे पहले इसका रूट कॉज ढूंढना होगा। मैटर इसलिए रुकता है क्योंकि लॉ के अंडर एक प्रिंसिपल है दैट नो पार्टी विल बी पनिश्ड अनहर्ड, या कोई भी जो पार्टी होती है उसके खिलाफ कोई भी ऑर्डर ऐसा पास नहीं होगा जो कि उसके राइट्स को अफेक्ट करता है। किसी भी पार्टी को सुने बगैर कोर्ट उसके खिलाफ ऑर्डर पास नहीं करेगी। और ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑडी ऑल्टरम पार्टम। ये इसका लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब है कि आप दूसरी साइड को सुने बगैर उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस जो है, जस्टिस, इक्वालिटी, फेयर प्ले, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, इनको कोर्ट अपहोल्ड कर सके। पर इसका ये मतलब नहीं है कि इसको अपहोल्ड करने के चक्कर में जिस बंदे ने कोर्ट में पिटिशन फाइल करी है उसके राइट्स को ही हम नकार दें। कोर्ट को सबके राइट्स को बैलेंस करना होता है। द कोर्ट कांट डिसाइड इन फेवर ऑफ सम ओनली वन पार्टीज राइट्स, द कोर्ट हैज टू बैलेंस द राइट्स ऑफ अदर पर्सन एज वेल। जैसे कि इस मैटर में दूसरी पार्टी को एम्पल अपॉर्चुनिटीज दी गई है, उसके जो राइट्स प्रोटेक्ट कोर्ट को करने चाहिए थे, द कोर्ट हैज प्रोटेक्टेड दोज राइट्स, द कोर्ट हैज वेटेड इनफ फॉर दोज राइट्स बीइंग प्रोटेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू अदर साइड। इससे ज्यादा अगर कोर्ट जाएगी तो इट विल बी प्रेजुडिसिंग द राइट्स ऑफ द पिटिशनर। तो कोर्ट हैज टू बैलेंस द राइट्स ऑन बोथ द साइड्स। तो इन सच केसेस क्या होता है? अब कोर्ट ने नोटिस दिया, फर्स्ट नोटिस दिया, सेकेंड नोटिस दिया, थर्ड नोटिस दिया, उसके बाद इफ स्टिल द अदर पार्टी इज नॉट अपेयरिंग, वॉट यू कैन डू इज यू कैन मूव एन एप्लीकेशन फॉर एक्स पार्टी डिसीजन इन द मैटर और एक्स पार्टी हियरिंग। एक्स पार्टी का मतलब होता है इन एब्सेंस ऑफ। इस पिटिशन में आप कोर्ट से ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि दूसरी साइड को उसके राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए एम्पल अपॉर्चुनिटीज दी गई है। कई बार क्या होता है कि कोर्ट से समन्स जाते हैं और जो जिसने रिसीव करने उसे पता लग जाता है कि समन्स आ रहे हैं, वो अपना दरवाजा लॉक करके चले जाते हैं या वो घर से निकल जाते हैं और उसके घर पे दूसरे फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो रिसीव करते हैं समन्स। या फिर वो अगर नहीं हो तो कोर्ट में एक रिपोर्ट जाती है कि समन्स नॉट रिसीव्ड बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन, बिकॉज
the address is not found or because he was not at home or because the address has been changed, जो भी रीजन जाएगा कोर्ट में वो कोर्ट रीजन देखेगी. अगर वो रेपिटेटिव रीजन है तो कोर्ट विल डीम दैट द समन्स हैव बीन सर्व. जो नोटिस है कोर्ट का, जो समन्स गए हैं कोर्ट की तरफ से, दैट हैज बीन सर्व. डीम्ड टू बी सर्व का मतलब है जो स्टेज है फॉर सर्विस ऑफ समन्स, दैट स्टेज हैज बीन कंप्लाइड विद लीगली. इसका मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी पार्टी की एब्सेंस में हियरिंग हो रही है. इसका मतलब ये है कि अगर दूसरी पार्टी कोर्ट में नहीं आ रही तो द कोर्ट विल नॉट वेट एट इन्फिनिटम. द कोर्ट इज ऑल्सो bound to make a decision. So the court will not wait forever for the other party to come in, file an application for ex parte hearing and request the court to proceed with the matter. Now filing an application for ex parte hearing is one thing, but usko aapke court ke sangyan mein bhi lana hoga, court ki knowledge mein bhi lana hoga. Jaise is case mein in bhai sahab ne ek ex parte application ko file bhi kiya hua hai. But kai baar kya hota hai ki court mein bahut sari applications lagi hoti hai. Maan lijiye kisi दूसरी साइड में, ऑपोजिट साइड में कई पार्टीज हैं, उनमें से किसी एक जन की डेथ हो गई है तो एक एप्लीकेशन होगी फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टी. फिर कभी कोई एप्लीकेशन हो सकती है कि दूसरी साइड के जो राइट्स है टू डिफेंड देमसेल्व्स वो उससे ज्यादा टाइम चला गया है, इसीलिए क्लोज द राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स. तो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देयर कैन बी सेवरल एप्लीकेशंस लिस्टेड बिफोर द कोर्ट. सो ये आपके जो वकील हैं जिनको आपने एंगेज किया, ये उनकी ड्यूटी है कि कोर्ट की नॉलेज में लाए कि जी मैंने एक एप्लीकेशन मूव करी हुई है फॉर एक्स पार्टी हियरिंग, आप इसको प्लीज टेक अप करें, इसको सुने और इसको इस पे डिसाइड करें कि वेदर एक्स पार्टी हियरिंग शुड बी ग्रांटेड और नॉट. तो द कोर्ट शुड डेफिनेटली हियर योर पिटिशन फॉर एक्स पार्टी इन दैट केस. और अक्सर ऐसा होता है कि वंस द कोर्ट पासेज एन ऑर्डर फॉर एक्स पार्टी हियरिंग, कोर्ट जब बोल देती है कि ठीक है दूसरी साइड नहीं पेश हो रही तो हम एक्स पार्टी हियरिंग करेंगे, तो दूसरी साइड पेश हो जाती है तब और फिर कहती है कि मेरे को एक्स वाई जेड रीजन के लिए मैं उस स्टेज पे पेश नहीं हो पाया या हो पाई क्योंकि मेरे को पता नहीं था या आई वाज अनवेल, आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड या मेरे फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी. ये सारे रीजंस देकर के वो एक्स पार्टी हियरिंग का जो ऑर्डर हुआ है उसको वकेट करने की कोशिश करते हैं. इन सच ए केस ऑल्सो कोर्ट सारे फैक्ट्स को होलिस्टिकली देखता है और अगर कोर्ट को लगता है हाँ जेन्युइनली कोई रीजन था फॉर द अदर साइड नॉट टू बी एबल टू अपियर इन द कोर्ट, तो द कोर्ट विल डेफिनेटली ग्रांट दैट एप्लीकेशन एज वेल. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट्स आर मेंट नॉट टू बी डिसाइडिंग केसेस बेस्ड ऑन टेक्निकलिटीज बट टू डू कंप्लीट जस्टिस बिटवीन पार्टीज बेस्ड ऑफ कोर्स ऑन लॉ. तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्टी हियरिंग. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू मान लीजिए दूसरी पार्टी जब कोर्ट में नहीं आती है और पेश होती है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए. और इस मैटर में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोट की, जो लोग लॉ से थोड़ा नॉलेज रखते होंगे जो लिसनर्स वो उनको ये चीज़ अप्रिशिएट कर पाएंगे. इन्होंने डिवोर्स की और एनलमेंट की दोनों की एप्लीकेशंस मूव करिए, दोनों के पिटिशंस कोर्ट में मूव करिए. ये मेरे को लगता है, आई हैव नॉट सीन द डिटेल्ड फैक्ट्स ऑफ द केस, ये बस एक क्वेरी मैसेज में आई थी तो आई एम कमेंटिंग बेस्ड ऑन द लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू मी. बट देखिए डिवोर्स और एनलमेंट की पिटिशन एक साथ फाइल करना इज अ लिटिल स्ट्रेंज बिकॉज डिवोर्स इज डन विद रिस्पेक्ट टू मैरिजेस दैट आर वैलिड एंड लीगल, एंड एनलमेंट जो होता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू मैरिजेस विच आर इनवैलिड एंड इनलीगल. तो इसी पॉइंट को थोड़ा सा हम और डिटेल में आपको बताना चाहें, समझाना चाहें, तो ऐसा होता है कि अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 है जो कि ले डाउन करता है कि एक वैलिड मैरिज क्या होती है, उसके कंडीशंस होते हैं. जैसे कि दोनों जो पार्टीज हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज उनका कोई स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए. मतलब कि अगर कोई अगर हस्बैंड और वाइफ में शादी हो रही है, जब शादी हो रही है, कपल में शादी जब हो रही है, तो दो कपल में से दोनों में से किसी का भी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एट द टाइम ऑफ मैरिज, कोई अर्लियर मैरिज अलाइव नहीं होनी चाहिए. मतलब कि अगर पहले शादी हुई है और उसमें डिवोर्स हो गया है तो यू कैन ऑफकोर्स डू अ सेकंड मैरिज, बट विदाउट अ डिवोर्स यू कांट डू अ सेकंड मैरिज. तो दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस. ऐसे कई कंडीशंस दी हुई हैं जैसे ब्रदर सिस्टर्स में शादी नहीं हो सकती और ऑल दैट. तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो मैरिज इज अ वैलिड मैरिज. तो जब ऐसी कोई शादी होती है जिसमें कोई कंडीशंस ब्रीच नहीं हो रही है तो यू गो फॉर अ डिवोर्स, वैलिड मैरिज के लिए डिवोर्स. बट एन इनवैलिड मैरिज, मान लीजिए कि किसी की वाइफ
पहले अलाइव है, वो उसकी शादी भी अलाइव है, डिवोर्स नहीं हुआ, और उसने फिर भी दूसरी शादी की सप्रेस करके कि मेरी वाइफ एक है और उसने दूसरी शादी करी है, तो दिस इज एन इनवैलिड मैरिज। इन दिस केस आपको पिटिशन फाइल करनी होगी फॉर अनलमेंट। बट इसमें ये कह रहे हैं कि इन्होंने दोनों डिवोर्स और अनलमेंट की पिटिशन फाइल करी है, विच टेक्निकली मेरे को लगता है यू कांट, बट ऑफकोर्स हर केस के फैक्ट्स डिफरेंट होते हैं, हर केस के सिचुएशन डिफरेंट होते हैं, बेस्ड ऑन सम लीगल एडवाइस ही मस्ट हैव डन इट। तो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इट। अगर आपको किसी और मुद्दे में आप चाहते हैं कि हम बात करें, किसी और मुद्दे पे हम आप के साथ कोई नॉलेज जो हमारी वो आपके साथ शेयर करें इन पब्लिक इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट टू काइंड ऑफ बिल्ड अ लीगली अवेयर कम्युनिटी। और अगर आप चाहते हैं कि किसी मुद्दे पे हम बात करें, या कोई आपके या आप हमसे किसी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, तो प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप इन। आप हमारे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं कि किस बारे आप बात करना चाहते हैं, और वी विल डेफिनेटली ट्राई टू लुक इन टू इट एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू एड्रेस इट। और लास्टली स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स, बिकॉज ये जो कोरोना वायरस की जो एक पैंडमिक है, इट हैज ग्रिप्ड द होल ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड वी आर गोइंग द ह्यूमैनिटी इटसेल्फ इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, बट वी बींग ह्यूमन्स हमने काफ़ी चीज़ों से जूझा है, लड़ा है, थिंग्स दैट डायनासोर्स कुडंट फाइट, हम ह्यूमन्स वी फॉट इट एंड वी यू नो मेड इट थ्रू टिल दिस एज, एंड ये पैंडमिक भी आई एम श्योर द ग्रेस ऑफ गॉड वील ऑल फाइट थ्रू इट। सो बट टिल दैट टाइम स्टे सेफ, स्टे इनडोर्स, और गुड बाय अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स।